ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल की जो फोर्थ लेयर है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। हम अगर बात कर रहे हैं ओएसआई मॉडल की, तो ओएसआई जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, जो मॉडल बनाया है, वो इसलिए बनाया है ताकि दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट कर पाएं, और उनका जो कम्युनिकेशन हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कौन से प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, कौन से स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हैं, फिर भी वो कम्युनिकेट कर पाएं। जब हम फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करते हैं, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल मैसेज। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल मैसेज के लिए बनती है, मतलब जो सोर्स पे एक मैसेज बनता है, उस पूरे मैसेज को पूरे नेटवर्क से होते हुए जब तक कि डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाता, तब तक ट्रांसपोर्ट लेयर का काम चलता है। नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपोर्ट है। जैसे हम मान लेते हैं ट्रक है, ट्रक में हम सामान लाद देते हैं एक एंड से और दूसरे एंड पे क्या करते हैं, उतार लेते हैं। सेम पूरा का पूरा जो माल है या जो पूरा पूरा मैसेज है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे एक टर्म कहा जाता है एंड टू एंड डिलीवरी फॉर एंटायर मैसेज। एंड टू एंड डिलीवरी, जो भी आपका मैसेज है उसकी पूरी की पूरी। अब मैं बार बार ये एंटायर मैसेज और एंड टू एंड डिलीवरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करें, तो वो क्या करता है कि अगर इस नेटवर्क में दो नोड्स हैं, मान लेते हैं इंटरमीडिएट नोड्स हैं, सो डीएलएल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी। उसका काम एक नोड से चालू होता है और दूसरे नोड पे जाके खत्म हो जाता है। बट अगर आप ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, तो वो सोर्स से जब तक कि डेस्टिनेशन पे पूरा मैसेज नहीं पहुंच जाएगा, तब तक वो काम करता रहेगा। यहाँ पर अगर पूरे नेटवर्क जो है वो हर एक पैकेट को, पैकेट का मतलब है नेटवर्क लेयर पे बनता है, अगर वो हर एक पैकेट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करता है तो भी चलेगा, या वो उसको कंबाइंड मैसेज के फॉर्म में कंसिडर करे तो भी चलेगा। बट हर एक पूरा पूरा जो मैसेज, एक मैसेज मान लेते उसको हमने 5 पैकेट्स में डिवाइड किया, वो पूरे के पूरे 5 पैकेट जब तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाते और विदाउट एनी एरर नहीं पहुंच जाते, तब तक ट्रांसपोर्ट लेयर का काम चलता रहता है। देर आर सम फंक्शंस और फीचर्स विच आर कंप्लीटली रिलेटेड विद ट्रांसपोर्ट लेयर। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे कहा जाता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग। अब ये सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या है? बेसिकली हमारे पास एक सोर्स है जिसमें कुछ सॉफ्टवेयर या प्रोसेसेस चलती रहती है, एक डेस्टिनेशन है उसमें भी कुछ प्रोसेसेस चलती रहेंगी। हमारा जो पर्पस है वो ये है कि अगर हम एक सोर्स से जो मैसेज भेज रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस पे, किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाके वो वहां पर नीडेड है, वहां पर वो पहुंच जाए। इसके लिए हम क्या डालते हैं? पोर्ट एड्रेस डालते हैं। हम जो मैसेज होता है उस मैसेज में एक पोर्ट एड्रेस फिल करते हैं, और ये पोर्ट एड्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस डेस्टिनेशन की कौन सी प्रोसेस पे इस मटेरियल को या इस मैसेज को पहुंचना चाहिए। तो ये जो सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जो भी मैसेज इंपॉर्टेंट है वो पहुंचाने का काम कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर करेगा। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एंटायर मैसेज को हैंडल करता है। तो सबसे पहले वो पूरा मैसेज लेता है, पूरा का पूरा मैसेज, ये पूरा मैसेज है कंप्लीट, इसको क्या करेगा? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में बांटना। ये कहां पर होगा? सोर्स पर होगा। डेस्टिनेशन क्या करेगा? जब डेस्टिनेशन को मिलेगा तो इन सबको क्या करेगा? फिर से कंबाइन करेगा, उसे कहेंगे हम असेंबली। और फिर क्या? पूरा मैसेज बना लिया जाएगा। ये पार्ट 1, 2, 3, 4 में बांटा, कहां पर? सोर्स ने, और डेस्टिनेशन ने क्या किया? इन चारों पार्ट्स को जोड़ के क्या बना दिया? फिर से एंटायर मैसेज बना दिया। तो ये हो गया सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये भी किसका काम है? ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। एट द सेम टाइम द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो हैंडल्स कि किस तरीके का कम्युनिकेशन है, मतलब किस तरीके का कनेक्शन बन रहा है, या तो कनेक्शन लेस है या कनेक्शन ओरिएंटेड है। अगर कनेक्शन ओरिएंटेड है, इसका मतलब पहले कनेक्शन बनेगा, एस्टेब्लिश होगा और फिर पूरा मैसेज ट्रांसमिट होगा। और कनेक्शन लेस है, इसका मतलब कि हर एक पैकेट इंडिपेंडेंटली रूट होगा और डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा। तो जब कनेक्शन लेस होगा, तो ये भी हो सकता है कि पैकेट नंबर 2 पहले पहुंच जाए और पैकेट नंबर 1 बाद में पहुंचे। तो
तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कैसे कि उसे असेंबल करना होगा, तो उसे 1 2 3 4 असेंबल करना है। तो पहले 2 आ गया तो 2 को स्टोर कर लिया, फिर 1 आया तो उसके आगे 1 को प्लेस कर दिया। सो दिस इज अनदर फंक्शन। तो एक हो गया सेगमेंटेशन रीअसेंबली, एक हो गया कनेक्शन लेस कनेक्शन ओरिएंटेड, किस तरीके का हम कनेक्शन बना रहे हैं ये देखना। एक हो गया सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, और जो दो काम जो डेटा लिंक लेयर हमेशा या पहले से करती आ रही है, वही काम ये ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, बट ये किसके लिए करेगी, एंटायर मैसेज के लिए, और वो है फ्लो कंट्रोल। ये डेटा लिंक लेयर के दो फंक्शंस थे, और ये डेटा लिंक लेयर सिर्फ नोड टू नोड डिलीवरी के लिए करता है, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। और जब हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ये पूरे मैसेज के लिए करता है। फॉर दिस एंटायर मैसेज दिस फ्लो कंट्रोल विल बी हैंडल्ड। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये होता है कि कौन भेजेगा, कब भेजेगा और किस रफ्तार से भेजेगा। दैट डेटा रेट हैज टू बी हैंडल्ड फॉर पर्टिकुलर, जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिशमेंट करना है, उस पर फिर डेटा भेजना है, और फिर कनेक्शन को क्या करना है, रिलिंक्विश करना है। ये फ्लो कंट्रोल है। एंड देन वॉट इज एरर कंट्रोल। एरर इट मीन्स, मान लेते हमारा पूरा पैकेट जो है, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 4 पैकेट्स में बांटा था, ये किसी पैकेट में कोई एक बिट चेंज हो जाती है, या मान लेते हैं कि एक से ज्यादा, मतलब बर्स्ट एरर भी आ सकती है, सिंगल बिट एरर भी आ सकती है। तो जब रिसीवर पे कंप्लीट मैसेज जब रीअसेंबली के लिए जाएगा, मतलब असेंबल करना होगा, उसके पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं किसी पार्ट में कोई एरर तो नहीं है, वेदर इट इज अ सिंगल बिट एरर या उसमें कोई बर्स्ट एरर तो नहीं है। या तो एरर है तो फिर क्या है, रीट्रांसमिशन के लिए आपको सेंडर को या सोर्स को बताना पड़ेगा कि रीट्रांसमिट करें, क्योंकि ये मैसेज प्रॉपर नहीं है। या अगर सिंगल बिट एरर है, तो मान लेते हैं कि वी आर हैविंग टेक्निक्स कि हम उस सिंगल बिट एरर को करेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल दिस विल बी हैंडल्ड एट द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन इज रिस्पॉन्सिबल। डेस्टिनेशन की ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ये चेक करेगी क्या कि एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो क्या है कि अगर सिंगल बिट एरर है तो उसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर बर्स्ट एरर है तो रीट्रांसमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज द फोर्थ लेयर ऑफ ओएसआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस और ऑल दीज फीचर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण जो है वो एक सबसे अलग जो है वो है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, जो कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर बनाता है या काम करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल।